हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक राघवन और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घर बैठ के कुछ आसान तरीके आजमा के आप कैसे फैट्स कम कर सकते हैं, जिसको हम कॉमन भाषा में चर्बी कहते हैं। चीज जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, 90 केजीज मेरा वेट था पहले और अभी मेरा वेट है ऑलमोस्ट 57 केजीज। तो आई हैव ऑलमोस्ट रिड्यूस 32 केजीज ऑफ वेट। इसमें गाइस मैंने मोस्टली विजरल फैट्स पे फोकस किया था। तो हमारे बॉडी में दो तरह के फैट्स रहते हैं, एक रहता है विजरल फैट्स और दूसरा रहता है सबक्यूटेनियस फैट। तो चर्बी मतलब फैट्स, इस तरह के फैट्स होते क्या है? सबक्यूटेनियस फैट वो तरीके का फैट होता है गाइस जो आपके स्किन के अंडर रहता है, आपके ऑल ओवर बॉडी में, आपके स्किन के अंडर, स्किन के इमीडिएट अंदर का जो लेयर रहता है वो रहता है फैट्स का। वो इसलिए रहता है क्योंकि वो बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, क्यूशन प्रोवाइड करता है। और हमारे बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर जो भी मसल्स है और बोन्स है उसको वो प्रोटेक्ट करता है और एनर्जाइज करने का काम करता है। ओके, सेकेंड टाइप का जो फैट है, सेकेंड है जिसको हम कहते हैं विजरल फैट्स। तो विजरल फैट्स गाइस ये बहुत अनहेल्दी तरीके के फैट्स रहते हैं जो अगर ज्यादा हो जाए तो काफी रिस्की हो सकते हैं। हार्ट अटैक, डायबिटीज, ऐसे कई तरीके से कई तरह की बीमारियां इससे हो सकती है। तो ये फैट कहाँ पे रहते हैं? आपका जो लोअर बेली फैट रहता है वो मोस्टली रहता है विजरल फैट। तो कई आपने ओबेस लोग देखे होंगे जिनमें बेली बाहर आया है, या फिर जिनमें लार्ज वेस्ट है, जिनका कमर का नाप बहुत ज्यादा है, जिनका BMI बॉडी मास इंडेक्स ओवरवेट है, वो तरीके के लोगों में ये विजरल फैट्स का कैपेसिटी और विजरल फैट्स का जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए उनमें ये जरूरी रहता है कि वो विजरल फैट्स घटाए जल्दी से जल्दी, ताकि वो ओबेसिटी का शिकार ना बने और ओबेसिटी से आने वाले कई प्रकार की बीमारियों का शिकार ना बने। तो गाइज, विजरल फैट्स बेसिकली अपडोमेन में भी रहता है, हमारा स्टमक और चेस्ट के बीच का जो पोर्शन रहता है, चेस्ट के नीचे का और स्टमक के ऊपर का जो बीच का पोर्शन रहता है उसको हम अपडोमेन कहते हैं। तो अपडोमेन कैविटी में ये विजरल फैट स्टोर हुआ रहता है। तो अब इसको कैसे घटाना है, विजरल फैट्स को कैसे कम करना है? तो चर्बी कम करने के कुछ 5 तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका ये है कि आप बहुत पानी पियो। 10 किलोग्राम बॉडी वेट के लिए आपको 1 लीटर पानी पीना है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बॉडी वेट है 60 केजी, तो आपको 5 से 6 लीटर तक का पानी पीना है पूरे 24 घंटे में। यही पानी अगर आप गर्म करके पीते हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा आपका विजरल फैट डिसॉल्व करने के लिए। ये गाइज आपको कोई भी नहीं बताएगा, बट ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीका है जिससे आप विजरल फैट कम कर सकते हो। दूसरा, आपको आपके डाइट में थोड़े चेंजेस लाने होंगे। आपको प्रोटीनिशियस डाइट लेना है, हमारा इंडियन डाइट है वही आपको कंटिन्यू करना है। सिर्फ आपको ये एम्फोसाइज करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन खाओ। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप बॉइल्ड स्प्राउट्स खा सकते हो, आप बॉइल्ड एग खा सकते हो। एग वाइट खाना है, एग योक नहीं खाना है, जो कि पीला कलर का एग योक रहता है जिसमें चर्बी रहती है वो आपको एक्सक्लूड करनी है। सिर्फ आप एग वाइट ले सकते हो, या फिर आप कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट का या फिर कोई भी डाइटिशियन का प्रोटीन शेक फॉलो कर सकते हो, न्यूट्रिशन शेक फॉलो कर सकते हो, जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स और मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स, मेजॉरिटी ऑफ अमाइनो एसिड्स रहेंगे, जिससे आपका विजरल फैट कम होते जाएगा और वही फैट आपके बॉडी में मसल से रिप्लेस होगा। क्योंकि गाइज आपको मसल की जरूरत है, आपको प्रोटीन की जरूरत है, ना कि फैट की। विजरल फैट बॉडी में उतना ही रहना चाहिए जितना आपकी बॉडी यूटिलाइज कर सके, ना कि स्टोर करके रखे जिससे ओबेसिटी होती है या फिर जिससे वेट गेन होता है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है गाइस, आप फाइबर ज्यादा लो। फाइबर आपको कहाँ से मिलेगा? लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, जिसको हम लोग यू नो मेथी, पालक, ये जो आप खाते हो, इससे ये अगर आप रॉ कंज्यूम करते हो तो उसमें से आपको फाइबर ज्यादा मिलेगा। दूसरी एक चीज है, आप फ्रूट्स ज्यादा खाओ, जिसमें से आपको फाइबर भी मिलेगा और मल्टी विटामिन भी मिलेंगे, विटामिन ए और कई तरह की विटामिन बी जो से हम कहते हैं, और कई तरह के मल्टी विटामिन है जिस जो आपको फ्रूट्स में से मिलेंगे, बट फाइबर्स आपको टारगेट करने हैं सो दैट आप विजरल फैट्स डिसॉल्व कर सकें। अलॉन्ग विद दैट,
आपको आपको एक इफेक्टिव तरीका बताना चाहता हूँ जो कि मैंने भी आजमाया था पहले। आप बीटरूट खा सकते हो दिन में, जैसे कि आप एक एप्पल खाओ उसी तरीके से आप एक फॉर्मूला बना लो कि दिन में आपको बीटरूट खाना है, एक बीटरूट पर डे। जब भी आप ये करोगे गाइस, आपका बॉडी पूरा अपने आप डिटॉक्सिफाई होते जाएगा, पॉइजनस सब्सटेंसेस जो भी आपके बॉडी में रहेंगे पूरे रिमूव हो जाएंगे बॉडी के बाहर, और उसी तरह आपका फाइबर कंटेंट बॉडी का बढ़ जाएगा और ये रेगुलराइज करेगा आपका बॉडी पोस्चर। और लास्ट तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, लिक्विड वाटर आपको लेना है जो कि आप बहुत ज़्यादा हॉट नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहेगा। ठंडा पानी और बहुत ज़्यादा गर्म पानी, उसके बीच में का जो स्टेज रहता है जो कि हम लोग आसान तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं, पी सकते हैं, उसको बोलते हैं लिक्विड वाटर। तो लिक्विड वाटर उसमें आपको एक चम्मच लेमन जूस ऐड करना है, ओके, एक इंच दालचीनी ऐड करनी है, दो से तीन आपको लौंग डालने हैं उसमें, लौंग या जिसको हम लोग क्लव बर्ड्स कहते हैं, ओके, और आपको थोड़ा सा अदरक छील के डालना है। ये जूस जब भी आप पियोगे, इसको गर्म करके जब भी आप ये जूस पियोगे, इसको आपको अर्ली मॉर्निंग लेना है जब भी आप नींद में से उठोगे, और जब भी व्हेन यू विल गो टू बेड, जब भी आप सोने जा रहे हो उसके पहले आप ये जूस पियो ट्वाइस अ डे। ये आपका विजरल फैट आसान तरीके से कम करेगा और 30 दिनों में आपको डेफिनेटली इफेक्ट दिखेगा जैसा मैंने इफेक्ट पाया है। तो गाइज ऐसे ही कुछ आसान तरीकों के साथ मैं आपको वापस मिलूंगा मेरे अगले वीडियो के साथ। ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे मेंशन करना ना भूलिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। टिल देन गाइज, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।